हेलो फ्रेंड्स, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर पोहा। इन सब में आपको सभी को पता है कि क्या क्या सामान डलता है, लेकिन मैं आज कुछ हटके डाल रही हूँ, अंगूर, स्वीट कॉर्न और बटर। तो चलिए बनाते हैं फिर जल्दी से पोहा। थोड़ा सा मक्खन पिघल जाए, हमारा मक्खन पिघल गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी राई, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, है ना, पीनट बोलूं, थोड़े से पीनट डाल रही हूं मैं इसमें, क्योंकि ये कच्चे पीनट हैं, तो इसलिए हमें इन्हें भूनना पड़ेगा थोड़ा दूर से ही, क्योंकि ये चटकते हैं और हमारे ऊपर लगे ना, तो थोड़ा सा दूर होके ही इसे भूने। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, लो टू मीडियम। थोड़े से मैं आलूओं को रोस्टेड करूंगी, इसमें भूनूंगी, ये उबले हुए आलू हैं। थोड़े भूनने से ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा करारापन और अच्छे लगते हैं ये टेस्ट में, कलर भी अच्छा आ जाता है। ये पहले से ही मैंने बॉईल करके रख लिया था आलू, अगर हम सारी तैयारी पहले से कर लें तो वो हमें जगह भी देर नहीं होती, जल्दी जल्दी बन जाता है। अब जाएगी इसमें शिमला मिर्च, ये चॉप कर ली थी मैंने छोटी छोटी, आप अपने हिसाब से कर सकते हो कोई भी डिजाइन में। थोड़ी सी लाल मिर्च है मेरे पास, इतनी तो मैंने इतनी ही डाल दी, ज़्यादा भी डाल सकते हो आप। अब मैं इसमें अंगूर डालूंगी, अगर आपने काट के डालने हो तो काट के डाल लेना, मुझे ऐसे साबुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत टेस्ट आता है। अब जाएगा इसमें टमाटर, हम इसे ज्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा इस तरह से छोड़ देंगे। इसमें जाएगा अब नमक स्वाद अनुसार, ये चिली फ्लेक्स जो हमें कभी कभी पिज्जा के साथ मिलती है वो मैं यूज कर रही हूँ। इसमें मैं एक ही पैकेट यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो दो पैकेट भी यूज कर सकते हो। काली मिर्च, चाट मसाला, इसका थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि नमक इसमें अच्छे से मिल जाए। अब डालेंगे हम इसमें पोहा, हमारी सब्जियां तैयार हो गई हैं, अब इसमें डालेंगे हम पोहा। पोहा को मैंने अच्छे से धो के पहले से ही भिगो लिया था, इसमें पानी नहीं डाला था, जिस पानी से मैंने धोया था अच्छे से बस उसे ही रहने दिया था, पानी निकाल दिया था। पोहा हमारा चिपकेगा नहीं, इसका टॉप सीक्रेट यही है कि इसे अच्छे से धो लो, बहुत अच्छे से धो के इसका पानी निकाल दो, जो इसमें स्टार्च होता है वो निकल जाता है, जिससे ये चिपकता नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए एक एक दाना अलग अलग सा नजर आएगा आपको, और देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। एक एक दाना देखो अलग से नजर आ रहा है, जो हमने सामान डाला है इसमें, सामग्री डाली है, वो भी देखो अलग अलग नजर आ रही है। तो आप इसे धोने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना, तो पोहा बहुत ही अच्छा बनेगा। पोहा बनके तैयार हो गया है। हाँ, मैं एक बात भूल गई बताना आपको कि मैंने ना इसमें प्याज नहीं डाला है, प्याज अदरक नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अगर आप चाहो
तो इसमें अभी से नींबू निचोड़ सकते हो, नहीं तो आप खाने के टाइम पर भी इसमें नींबू डाल सकते हो। और मैं अभी डाल रही हूँ इसमें नींबू का रस। अगर आप रखना चाहो तो आप नींबू बाद में डालिए, लेकिन अभी हम खाएंगे तो इसलिए मैंने इसमें अभी से नींबू डाल दिया। तो अब हम इसकी करेंगे प्लेट और खाएंगे। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। पोहा बनके तैयार हो गया है और अब मैं कर रही हूँ गैस की फ्लेम बंद। हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। देखते हैं खाने में, मेरे को तो बड़ा ही यमी और टेस्टी लग रहा है। आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा कमेंट में मुझे। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। देखने में मुझे तो बहुत यम्मी लग रहा है और देखती हूँ मैं खा के कैसा लगता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा है, आप खा के जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।